ये बात सही है। देश आजाद हुआ आज तक गरीबी से हम लड़ रहे हैं, और जब कोई कहता है कि 65% लोग गरीबी के नीचे हैं, ये विरासत हमें मिली है, हमें मालूम है, लेकिन कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ कम अच्छा मिलता है, दोनों स्वीकार करना पड़ता है। अब हमारे भाग्य में देश की गरीबी हमारे नसीब में आई है, लेकिन गरीबी के खिलाफ लड़ने की इच्छा हम सबकी है, और यहां बैठे हुए इस पार हो उस पार हो सबकी है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हमारी कोशिश है इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, एजुकेशनली एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम एक ऐसी गरीबों की फौज तैयार कर सकते हैं जो स्वयं गरीबी को समाप्त करके विजयी होने के लिए सर खड़ा करके निकल सकती है। और इसलिए जीएसटी इस माहौल को तैयार करने में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकती है, और जिसके लिए गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए भी ये हमें काम आ सकता है। हम जानते हैं छोटे उद्यमकार बैंकों में लोन लेने जाते हैं, उनको कितनी दिक्कत होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, ये पुरानी आदतें बदलाव आए इसके लिए, लेकिन अब इतने सालों की आदतें कैसे बदलेगी, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि काफी बुरी आदतें पड़ी हुई है। छोटे उद्यमकारों को बैंक में अगर लोन लेनी है तो 500 कागज मांगेंगे, हर कागज को क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके रिजेक्ट करेंगे, और उनकी पसंदगी के लोगों को वो पैसे दे देंगे। जीएसटी के कारण हर व्यक्ति का आर्थिक कारोबार का खाका सर्टिफाइड रूप में एवरी मिनट अवेलेबल होगा। वो जब बैंक में उस खाके को रखेगा, किसी बैंक के पास डिस्क्रिमिनेशन करने की कोई ताकत नहीं होगी कि इसको लोन देना कि नहीं देना। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये एक ऐसा सबूत सामान्य मानवी के हाथ में आने वाला है, जिस सबूत के माध्यम से वो सामान्य कारोबार करने वाला व्यक्ति भी, दूध बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, नाई हो, अखबार बेचने वाला हो, छोटा व्यक्ति भी, वो अपनी चीजों को लेकर के इस काम को कर सकता है। और इसलिए जीएसटी का सबसे बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी की, और उसके कारण रियल टाइम डाटा अवेलेबल होगा, और जब रियल टाइम डाटा अवेलेबल होता है तो व्यक्तियों को अपनी ताकत, अपनी क्षमता, उसको सबूत के रूप में पेश करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, और उसके कारण उसको इसका लाभ मिल सकता है। इसके कारण सहज रूप से जब धन की उपलब्धि होती है तो एक प्रतिस्पर्धा भी आती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा की संभावनाएं बढ़ती है, और जब मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तब अर्थरचना को गति मिलती है, नए लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होते हैं, और इस व्यवस्था के कारण, मनी फ्लो बढ़ने के कारण रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने के लिए इस व्यवस्था के तहत पूरा अवसर मिलने वाला है। हमारे देश में निवेश बढ़ाने की दृष्टि से टैक्स टू जीएसडीपी रेशियो ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ चलता रहा है। इस नई व्यवस्था के कारण ये सवालिया निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, और इसके कारण राज्य भी अपने निर्णय करके विकास के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सोशल सेक्टर की मदद करने के सारी बातों को तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं, और मैं समझता हूं कि इसको बढ़ा पाएंगे। कभी कभार हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व्यवस्थाओं को भी उतना ही मजबूत बनाना पड़ता है। व्यक्ति अच्छा ही करेगा
इस विश्वास के साथ इतनी बड़ी बातें चल नहीं सकती। अगर व्यवस्थाएं ठीक होगी तो गलत इंसान को भी व्यवस्थित रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस जीएसटी के कारण जो टैक्स चोरी करने की जो बातें होती है, हम जानते हैं हमारे यहाँ कच्चा बिल और पक्का बिल, ये शब्द ट्रेडर्स में बड़ा पॉपुलर है, कच्चा बिल और पक्का बिल। मैं तब से इंतजार कर रहा था कि आप खड़े क्यों नहीं होंगे। आपको कच्चे बिल की चिंता ज्यादा है। ये हमारे देश में कारोबार कच्चा बिल पक्का बिल, जीएसटी के कारण व्यापारी स्वयं प्रेरित होगा पक्के बिल के लिए। इसलिए जैसे अगर मानो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम क्या करते हैं, हमारे मेडिकल सारे बिल बराबर संभाल के रखते हैं, कोई इधर उधर न जाए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो सारा रहेगा तब जाकर के मैं क्लेम कर पाऊंगा, तब जाकर के मुझे पैसे मिलेंगे। जीएसटी में वो व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति हैं वो अपने बिल प्रस्तुत करेगा, उसके हित की जितनी चीजें उसके उसका रिफंड मिल जाएगा। और इसलिए ये जो पुरानी जो है कच्चे पक्के की दुनिया, एक प्रकार से काले धन को भी वो मोबिलाइज करती हैं, इस पर ये पूरी तरह रोक लगा देगी, पूरी तरह ये बंद हो जाएगा। ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार को, काले धन दोनों को समाप्त करने में ये व्यवस्था काम आने वाली है, और उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसको लाभ मिलेगा। हम जानते हैं कि हमारे देश में टैक्स कलेक्शन के पीछे बहुत बड़ी फौज लगी रहती है, ऊपर से नीचे तक, और कलेक्शन का कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। इस व्यवस्था के कारण, सभी ऑनलाइन होने के कारण, टेक्नोलॉजी आधारित होने के कारण, हमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में बहुत कमी आएगी, जो पैसे देश के गरीब व्यक्ति के विकास के भलाई के लिए काम आएंगे। उसी प्रकार से जहां पर भी सरकारी व्यवस्थाओं को इंटरफेरेंस का अवसर मिलता है तो कहीं ना कहीं से करप्शन की बू आना शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है जिस व्यवस्था के कारण करप्शन इस पूरी कलेक्शन की प्रक्रिया में जीरो की तरफ जाएगा, और उसके कारण भी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में हमें अवसर मिलेगा। यहां डाटा इंटीग्रेशन होने वाला है, यानी कच्चे माल से लेकर के अंतिम प्रोडक्ट तक हर जगह पर वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन रजिस्टर होते जाने वाला है, और इसलिए नेचुरल कोर्स में क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था है, और क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था होने के कारण कहीं पर भी कोई चोरी तुरंत पकड़ी जाती है, कहीं पर भी गलत हुआ है, गलती हुई है, पकड़ी जाती है, और उसके कारण एक प्रकार की सीमलेस व्यवस्था, ये सीमलेस व्यवस्था हमें लाभ करेगी। ये एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर, इनके बीच का ह्यूमन इंटरफेस करीब करीब जीरो हो जाएगा, और उसके कारण इतना दोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, इतना करोगे तो पूरा हो जाएगा, वो आएगा तो ठीक होगा, ये सारी चीजों से भारत का सामान्य मानवी मुक्त हो जाएगा। और उसकी दिशा में मैं समझता हूं कि हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जीएसटी के कारण एक प्रकार से टैक्स पेयर का व्यवस्था ही ऐसी बन रही है कि जिसमें उसको ईमानदारी से मुनाफा होता है, जितना वो देगा उसको पता चलेगा मुझे इतना
मिलने वाला है और उसके कारण इस चीजों को हम काले धन को रोकने में भी सफल होंगे। राज्य और केंद्र के टैक्स के आंकड़े एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे और रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, टैक्स पेमेंट की डिजिटल व्यवस्था हो, ये सारी चीजें ऑनलाइन होने के कारण ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम इसमें पा सकते हैं और पाएंगे। आगे के दृष्टि से अरुण जी हमारे सामने रखेंगे। हमारे लिए आज तो यहां मतदान करके इस पवित्र कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन 16 से अधिक राज्य जितना जल्दी इसको पारित करें यह आवश्यक होगा। उसके बाद भी कई संवैधानिक व्यवस्थाएं हमको पूरी करनी होगी, और भी कई कानून, सेंट्रल जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, ये सारे हमें कानून पारित करने होंगे। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के लिए आज एक दरवाजा खुल रहा है और हम एक शुभ शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमें मिलने वाला है। ये भी सही है कि हम लोगों को, क्योंकि नया विषय होता है तो लोगों की शिक्षा भी जरूरी होती है, आईटी प्रिपेयरनेस की जरूरत है, लीगल प्रिपेयरनेस की आवश्यकता है, टैक्स ऑथोरिटी ऑफिशियल्स की प्रिपेरेशन की आवश्यकता है, कंज्यूमर की भी प्रिपेयरनेस के लिए हमको काम करना पड़ेगा और तब जाकर के हम इस काम को कर पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, दुनिया में लोकतंत्र के जो बड़े माहिर देश माने जाते हैं, लोकतंत्र की दृष्टि से दुनिया को उपदेश देने का जो सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे देशों में भी फाइनेंस बिल जैसी महत्वपूर्ण बातें भी कभी कभी करा पाना बड़ा मुश्किल जाता है। यह हिंदुस्तान है, ये भारत का लोकतंत्र है, ये भारत के राजनीतिक दलों की मैच्योरिटी है, ये भारत के राजनीतिक नेताओं का दूरदृष्टि है कि आज हम वैचारिक विरोधों और राजनीतिक पार्श्वभूमि अलग होने के बावजूद भी इस महान कार्य को एक स्वर से कर रहे हैं, साथ मिलकर के कर रहे हैं। ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। एक परसेप्शन जो भी बाहर बनता हो, लेकिन आज मैं इस सदन के सामने बड़े गर्व के साथ और नम्रता के साथ और सभी राजनीतिक दलों का सम्मान करते हुए, गौरव करते हुए, इस सदन में जहां भी बैठे होंगे, यहां बैठे हो, सामने बैठे हो, न्यूट्रल बैठे हो, लेकिन हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि इस सरकार को करीब 100 सप्ताह से ज्यादा समय हुआ है, लेकिन इन 100 सप्ताह से ज्यादा समय में इसी सदन ने 100 से ज्यादा कानून पारित किए, सेंचुरी पार कर दी। यही तो इस सदन की ताकत है और यही देश के लोगों में एक नया विश्वास जगाती है और इस काम के लिए सबकी सकारात्मक भूमिका रही है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। और मैंने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी कहा था कि इसका यश सबको जाता है, सभी सदस्य को जाता है, सभी राजनीतिक दलों को जाता है, लगातार जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है उन सबको जाता है। और मुझे मेरे अपने विचार रखने के लिए अवसर मिला, मैं अध्यक्ष महोदय जी सदन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हम सब मिलकर के इस कदम की ओर आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वन क्लैरिफिकेशन, नो काला धन वापस नहीं है मैडम, फाइनेंस में प्लीज, नो नो नथिंग मैडम। मैडम स्पीकर, आई वांट टू रेज वन।